नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने फाइनली वो काम करके दिखाया जिनकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने उनसे करी थी, और वो था साउथ अफ्रीका में जाकर सीरीज जीतना। जी हाँ दोस्तों, क्या शानदार परफॉर्मेंस करी है बाबर आजम, फखर जमान और पूरी पाकिस्तान की टीम ने। खासतौर पर अगर बाबर आजम और फखर जमान की बात करें तो उन दोनों ने तो मतलब इस पूरे दौरे पे जो अभी 3 मैचेस खेले गए हैं, शानदार बल्लेबाजी करी है। अगर आप पहला वनडे मैच लो, वहाँ पे बाबर आजम ने शतक बनाया, उसके बाद आज जिस तरह से बल्लेबाजी करी फखर जमान ने, जब दूसरा वनडे मैच खेला गया था तो वहाँ पर उन्होंने सिंगल हैंडेडली 193 बनाए थे, और उसके बाद आज के मैच में भी उस फॉर्म को कंटिन्यू किया और एक और ज़बरदस्त पारी खेली, शतक लगाया। सब उनकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं है या वो लगातार जो है वो रन्स नहीं बनाते हैं और उनकी टेक्निक अच्छी नहीं है, पर उन्होंने आज इस दौरे पर दिखाया कि वो पाकिस्तान के समय सबसे बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं। और दूसरे मैच में भी वो लोन वॉरियर की तरह उन्होंने 193 रन बनाए, हालांकि वो मैच नहीं जीता पाए, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से रन आउट हो गए, लेकिन आज के मैच में भी उन्होंने उसी फॉर्म को कंटिन्यू किया और एक शानदार शतक जड़ा और 103 रन की पारी खेली, जिस भी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे उन्होंने दूसरे मैच में खेला था। और उसके बाद बाबर आजम ने भी एक और शानदार पारी खेली पहले मैच के बाद, दूसरे मैच में वो हालांकि बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन आज जिस तरह से बल्लेबाजी करी 94 रन बनाया और जो ओवर था उसमें वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेट, लेकिन शतक तो उनका मिस हो गया, पर जो पारी खेली थी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। तो इन्हीं दोनों की पारियों की वजह से जो है वो पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहा 321, और उस टाइम पे लगा था कि पाकिस्तान जो ये मैच आसानी से जीत जाएगा, लेकिन साउथ अफ्रीका ने उसके बाद जिस तरह से जो है वो कमबैक किया और स्टार्ट जिस तरह से किया वो बहुत अच्छा था, और उनके जो ओपनर थे जानेमन मलान और एडन माक्रम ने अच्छी शुरुआत दी, हालांकि एडन माक्रम बड़ी पारी तो नहीं खेल पाया, जल्दी आउट हो गए, उसके बाद साउथ अफ्रीका लगातार विकेट्स गंवाता रहा, लेकिन एक तरफ जानेमन मलान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, 77 रन उन्होंने बनाए, लेकिन जब वो आउट हो गए उसके बाद फिर कोई भी बल्लेबाज जो है वो मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाया साउथ अफ्रीका के, और फिर जो रन रेट था, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, वो लगातार ऊपर जा रहा था, इस वजह से साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई। और पाकिस्तान के बॉलर्स ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी करी, खासतौर पर हारिस राउफ हो गए या शाहीन अफरीदी को ले लो, उन्होंने भी बहुत शानदार गेंदबाजी करी, और खासतौर पर मैं बात करूंगा मोहम्मद नवाज़ की, क्योंकि उनकी बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से जो स्पेल डाला था 7 ओवर का वो बड़ा गजब का था, उसमें भी उन्होंने 3 विकेट्स निकाले थे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो पाकिस्तान टीम ने बहुत ही शानदार जो है वो ये सीरीज़ खेली है, और पूरी तरह से डिजर्व भी करते हैं पाकिस्तान, और बहुत खुशी होती है कि जब हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है वो इस तरह से ओवरसीज जाकर परफॉर्म करते हैं और ओवरसीज जीतते हैं, क्योंकि एशिया की कोई भी टीम हो अगर ओवरसीज जाकर जीतती है तो बहुत खुशी होती है, और फिर वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी एशिया की टीम हो, तो खुशी होती है। तो इस वजह से पाकिस्तान को पूरा क्रेडिट जाता है इस जीत का, और मतलब फखर जमान का तो मैं जितनी बार बात कर लूँ उतना कम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दूसरे मैच में बल्लेबाजी करी उसके बाद आज जिस तरह से खेला, लग ही नहीं रहा है कि वो उनको किसी भी बॉलर्स का खौफ है या जो है वो किसी गेंदबाज का डर है उनके मन में, लेकिन बस एक चीज़ है कि मैं पाकिस्तान टीम से चाहता हूँ कि कम से कम उनको अपने थोड़ा सा बॉलिंग पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका की टीम में ज़्यादातर जो बैट्समैन थे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन नहीं थे, पर फिर भी वो स्कोर के लगभग करीब पहुँच ही गए थे, पाकिस्तान ने 320 बनाए थे लेकिन वो ऑलमोस्ट 300 के करीब पहुंच गए थे, तो बस अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत पाकिस्तान अपने बॉलिंग पे काम कर लेता है तो और आगे के लिए उनके बेहतर होगा और बेहतर टीम वो बन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम को और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को इस सीरीज जीत की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मैं होप करता हूँ कि जो आगे T20 सीरीज आने वाली है उसमें भी पाकिस्तान के क्रिकेट टीम ऐसे ही शानदार परफॉर्मेंस करेगी और वहाँ पे भी सीरीज जीतेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी लेटेस्ट क्रिकेटिंग अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।